बिहार में अब डेंगू डराने लगा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 1300 से पार हो गई है। वहीं डेंगू से राज्य में मरीज की मौत भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से राज्य में पहली मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही विभाग से निपटने की हर मुकम्मल तैयारी में जुटी है। राज्य में बुधवार को 200 लोगों के डेंगू पॉजिटिव पाए जाने के साथ एक दिन में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सूबे में अब तक कुल पॉजिटिव केस 1332 हो गए हैं। उधर डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें अधिकारियों को सतर्क रहने और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास का निर्देश दिया है। तो वहीं बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित, वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। बीते 2 दिनों से उन्हें तेज बुखार है। ऐसे में अब सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार की सुबह अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे। खबर ये भी आ रही है कि वो उन्हें आज रात 2:30 बजे उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका हालचाल जानने वहां पहुंचे थे। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के मुख्य सचिव को आमिर सुबहानी को कल तेज काफी बुखार आ गई, उसके बाद उन्हें देर रात ही अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें डेंगू की आशंका है। राज्य में फिलहाल डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। इसके पहले पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को डेंगू हुआ था, वो भी पारस अस्पताल में भर्ती हुए थे। जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें देखने पहुंचे थे। मालूम हो कि एक तरफ बिहार के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के मरीजों की संख्या अब 435 हो गई है, जबकि सूबे में पिछले 24 घंटे में 250 नए डेंगू पीड़ित मरीजों की पहचान की गई। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार पटना में 70 से ज्यादा, बेगूसराय में 26, भागलपुर में 25, सिवान में 24 और मुंगेर में 12 डेंगू मरीज मिले हैं। राज्य में सितंबर महीने में अब तक 1300 डेंगू मरीज की पहचान की जा चुकी है, तो वहीं राज्य में अब तक 1500 से ज्यादा डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। उधर पटना जिला प्रशासन ने 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाले डेंगू नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। उसमें 3 पालियों में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कंट्रोल रूम का फोन नंबर है 0612295964। जनता डेंगू से जुड़ी कोई भी मदद इस नंबर पर कॉल करके ले सकती है। अस्पताल में भर्ती होना है या फिर बेड की जानकारी, खून व प्लेटलेट्स की उपलब्ध, एंटी लार्का के छिड़काव और फॉगिंग आदि से संबंधित जानकारी भी यहां से प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि पटना में डेंगू का कहर डराने लगा है। आए दिन डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, तो वहीं पिछले दिनों पटना डीएम को डेंगू हुआ था, तो वहीं मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की भी डेंगू की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, तो लोगों से अपील है कि बच कर रहे और डेंगू से बचने वाले जो भी क्रीम आते हैं उसको लगा कर बाहर निकले। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।